नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूँ इनिशियल फॉर्मेट टेक्निकल क्वेश्चन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। एंड एक बात और बता दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है उसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, आंदोलन जो चल रहा था छात्रों का, स्टूडेंट्स का, उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। सभी लगभग एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एनसीएल के लिए मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है और आप लोगों को पता भी होगा कि अ सडल फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग, यानी कि एक बैरोमीटर में अचानक गिरावट का संकेत है। आपका ऑप्शन है ठीक मौसम, बारिश, तूफान, शीतलहर, गर्म लहर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तूफान यानी कि स्टॉर्म। यहाँ पे मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा बहुत हिंदी वाला वर्ड इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैं इंग्लिश में आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज, यानी कि एक यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का यूनिट यानी इकाई क्या होती है। आपके ऑप्शन है वाट प्रति डिग्री केल्विन, डायनस प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ईआरजी अर्ग सेंटीमीटर प्रति डिग्री केल्विन, या फिर अर्ग प्रति डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्ग प्रति डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलोरी इज अ मेजर ऑफ, यानी कि कैलोरी एक मापक है या फिर उपाय है किसका, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा, तापीय क्षमता, एंट्रोपी या फिर काम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किलोग्राम केजीएफ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि केजीएफ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, और किसके बराबर है, 760 mHg, 735.6 mmHg, या फिर 1 mmHg, या फिर 100 mmHg। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 735.6 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू, यानी बैरोमीटर का दबाव बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 760 mmHg, 0 mmHg, 735 mmHg, 1 mmHg, या फिर 100 mmHg। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 760 mmHg। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरेटिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी पेट्रोल इंजन के लिए सैद्धांतिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात के क्रम का है। आपके ऑप्शन है 6:1, 9:1, 12:1, 15:1, या 20:1। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15:1, यानी कि 15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर फ्यूल रेशियो फॉर आइडलिंग स्पीड ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि पेट्रोल इंजन की निष्क्रिय गति के लिए वायु ईंधन अनुपात लगभग है। आपके ऑप्शन है 1:1, 5:1, 10:1, 15:1, 20:1। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10:1, यानी कि 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर फ्यूल रेशियो एट विच अ पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क इज, यानी वायु ईंधन अनुपात जिस पर एक पेट्रोल इंजन काम नहीं कर सकता है क्या है, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, औसत उससे कम, या फिर सभी अनुपातों पर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20:1 और उससे कम, यानी कि 20:1 एंड लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन द एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ पेट्रोल इंजन फॉर व्हीकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए वाहनों के लिए एक पेट्रोल इंजन के लिए वायु ईंधन अनुपात के क्रम का है। आपके ऑप्शन है 9:1, 12:1, 15:1, 18:1, 20:1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12:1, यानी कि 12:1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल बाय अ 4-स्ट्रोक इंजन, यानी 4-स्ट्रोक इंजन द्वारा 1 लीटर ईंधन की खपत के लिए हवा की निम्नलिखित मात्रा की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है
1 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, 5 to 6 मीटर क्यूब, 9 to 10 मीटर क्यूब या 15 to 18 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 9 to 10 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी प्रोड्यूस बाई अ थर्मल रिएक्टर ऑफ सेम साइज एज अ ब्रीडर रिएक्टर इज, ब्रीडर रिएक्टर के समान आकार के एक थर्मल रिएक्टर द्वारा उत्पादित ऊर्जा है, लगभग एक जैसा, थोड़ा और, थोड़ा कम, बहुत कम या बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बहुत कम, यानी कि मच लेस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिएक्टर्स डिजाइन फॉर प्रोपल्शन एप्लीकेशन आर डिजाइन फॉर, यानी प्रवर्धक अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए रिएक्टरों के लिए डिजाइन किया गया है। आपके ऑप्शन है प्राकृतिक यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम, किसी भी प्रकार का यूरेनियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समृद्ध यूरेनियम, यानी कि एनाइस्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुपर हीटेड स्टीम इज जनरेटेड इन फॉलोइंग रिएक्टर, निम्नलिखित रिएक्टर में से सुपर हीट स्टीम उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है उबलता पानी, गैस ठंडी हुई, पानी का दबाव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गैस कोल्डेड, यानी कि ठंडी हुई गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन में भी फैब्रिकेटेड इनटू वेरियस स्मॉल शेप सच एज, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ठोस ईंधन और विभिन्न छोटे आकार के निर्मित किया जा सकता है, जैसे कि प्लेंट, पैलेट, पिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई एक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, यानी कि एनी वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर अ मॉडरेटर, वन विच, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडरेटर के लिए अधिक उपयोग है, जिसमें से एक है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन को तेज करता है, न्यूट्रॉन को खा जाता है, या फिर न्यूट्रॉन को पुनः बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है, यानी कि डज नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कंपेयर्ड टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इन अ बॉयलर इज, एक बॉयलर में मौजूद मसौदा प्रशंसक की तुलना में प्रेरित मसौदा प्रशंसक की क्षमता है। आपके ऑप्शन है वही, अधिक, कम है, बॉयलर के आकार से के आधार पर है, या फिर अप्रत्याशित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक है, यानी कि मोर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पल्वराइज्ड फ्यूल इज यूज्ड फॉर, यानी कि चूड़ित ईंधन का उपयोग किया जाता है, बेहतर जल रहता है, अधिक कैलोरी मान, कम विकिरण हानि, मध्यम आकार की इकाइयाँ, स्टार्क ने बॉयलर को निकाल दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेहतर जल रहता है, यानी कि बेटर बर्निंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलैरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि कोयला का कैलोरी मान किसके आदेश का है, 200 से 400 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 800 से 1200, 2000 से 4000, 5000 से 8000, 8000 से 10000 किलो कैलोरी प्रति किलो। तो आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2000 से 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिक अप रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल, यानी एक अच्छे ईंधन के वांछित गुणों के बारे में गलत कथन चुने, उच्च कैलोरी मान, न्यूनतम धुएं और गैसों का उत्पादन, भंडारण में आसानी, हाई इग्निशन पॉइंट, या फिर इकोनॉमिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाई इग्निशन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सल्फर इज कोल रिजल्ट इन, कोयला के परिणाम में सल्फर, आपके ऑप्शन है क्लियरिंग और स्लैगिंग के कारण, एयर हीटरों की को रीडिंग करना, कोयला भंडारण के दौरान सहज रखना, राख वर्षा की सुविधा, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।